हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कमिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल WBJEE 2024 कैंडिडेट। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग द राउंड टू अलॉटमेंट रिजल्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, मीन्स आगे आप लोगों को क्या करना होगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि 31st को आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, एंड फाइनली आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जो स्टूडेंट एस एबडेशन किए थे उन लोग का अपग्रेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा कि क्या क्या एग्जैक्टली आपको करना होगा। तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, एंड उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल न्यू हैं, मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो कि मैं पहले ही बताया था कि अगर आपने एस एबडेशन फॉर्म फिलअप किया है, देन हो सकता है आपको न्यू कॉलेज अलॉट हो सकता है आपको न्यू कॉलेज अलॉट नहीं हो, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर आपको एडमिशन लेना है तो न्यू कॉलेज जो अगर आपको अलॉट हुआ तो फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, एंड दैट इज मीन्स यू हैव टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। एंड ऑब्वियस फ्रेंड्स, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड फर्दर। ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, भैया मैंने राउंड वन में फिजिकल रिपोर्टिंग करा लिया, सेकेंड में कोई कॉलेज मिला मुझे पसंद नहीं है, बट मैं मॉप राउंड में जाना चाहता हूँ, तो क्या फिजिकल रिपोर्टिंग मुझे फिर से करना होगा? रिमेंबर, नो नीड टू डू द फिजिकल रिपोर्टिंग अगेन, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था। अब मैं आपको एक पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है राउंड टू अलॉटमेंट का। पहला हो सकता है कि आपको अगर फर्स्ट चॉइस मिल गया, देन एज यू नो इट इज मैंडेटरी टू टेक एडमिशन एंड यू कांट पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड, मीन्स मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका अलॉटमेंट सेकेंड या थर्ड या मीन्स एक्सेप्ट फर्स्ट चॉइस आपको मिला, देन इट इज ऑन यू दैट वेदर यू वाना टेक एडमिशन और नॉट। अगर आपको एडमिशन लेना है तो अगेन आपको जाना ही होगा कॉलेज में और एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना होगा। इफ यू डोंट वाना टेक एडमिशन, देन नो नीड टू रिपोर्ट अगेन एज आई सेड अर्लियर एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड। ये फ्रेंड, मैं फिर से आपको क्लियर कट बताता हूँ कि एक बार आप एडमिशन ले लिए, देन यू कांट एबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ कि थर्ड पॉइंट, दैट इज अलॉटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड एट ऑल, मीन्स जो कॉलेज आपको मिला था राउंड वन में वही कॉलेज आपको राउंड टू में भी मिला। सपोज आपको राउंड वन में आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई पार्टिकुलर ब्रांच मिला, सेकेंड राउंड में भी आपको सेम ही ब्रांच रह गया, मीन्स अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है, सिंपली। सो दैट इज नाउ डिपेंड ऑन यू दैट वेदर यू वांट टेक एडमिशन और नॉट। अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो अगेन यू विल नॉट एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड, एंड इफ यू डोंट टेक एडमिशन, इफ यू डोंट डन द फिजिकल रिपोर्टिंग, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड। सो इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। ओके, मॉपअप राउंड से रिलेटेड आपको अगर वीडियो देखना है तो मैं ऑलरेडी रिसेंटली अपलोड किया हूँ वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट आता है कि आपका कैंडिडेट अलॉटमेंट वाज कैंसल इन राउंड वन एंड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बट राउंड टू में आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। मीन्स कोई कारण से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पाया था राउंड वन में और कैंसल हो गया था, ठीक है। सो इफ यू हैव बीन अलॉटेड अ न्यू सीट्स, देन अगेन यू हैव टू डू द फिजिकल वेरिफिकेशन अगेन फ्रेंड्स, एंड अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, देन आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं या ज्वाइन नहीं कर सकते। रिमेंबर फ्रेंड, मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपका राउंड वन में फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, देन इट इज मैंडेटरी टू डू द फिजिकल वेरिफिकेशन इन राउंड टू, ठीक है। अदरवाइज यू विल कंसिडर एग्जिट एंड यू विल कांट पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, ठीक है। बट अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करा लिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू दैट वेदर यू वांट टू टेक एडमिशन और नॉट। फिफ्थ पॉइंट आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, दैट इज कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड वन एंड गॉट फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड टू। राउंड वन में कोई कॉलेज नहीं मिला था, राउंड टू मिला, देन अगेन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा एंड यू कैन टेक एडमिशन और यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, बट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग मस्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द राउंड टू रिजल्ट। अगर आप यह वीडियो 31st अगस्त को देख रहे हैं, मीन्स रिजल्ट अनाउंस के बाद, देन मेक श्योर टू कमेंट हियर दैट विच कॉलेज यू गॉट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी कॉलेज एनीथिंग, यू कैन कमेंट हियर, आस्क हियर, और यू कैन पर्सनली DM मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल सर्टेनली रिप्लाई योर ऑल क्वेरी। सो ये था आपका राउंड टू रिजल्ट के बारे में, क्या क्या एग्जैक्टली आपको करना है, क्या नहीं करना है। सो नाउ आई थिंक इट इज मच क्लियर टू यू अबाउट दिस। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव टू यू, मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस फ्रेंड्स, क्योंकि यह चैनल आपको सिर्फ WBJEE में हेल्प नहीं करेगा, बट आफ्टर गेटिंग टू द कॉलेज टू विल प्रोवाइड नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेक श्योर टू ज्वाइन अवर ग्रुप, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन गेटिंग गुड SGPA इन अपकमिंग सेमेस्टर। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।